हेलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में बात करेंगे आपके चार अप्रैल को होने वाले विज्ञान पेपर के बारे में उसके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे इससे बार आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है यहाँ कम से कम आपको आठ से दस मॉडल पेपर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में मंजन कर दीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे ठीक है ना तो सबका वीडियो सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा और इससे बार आपके कुछ आना नहीं है तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि एस्टर का बहुलक है तो एस्टर का बहुलक होता है पॉली ठीक है ना दूसरा है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है अक्षय मतलब जो नष्ट नहीं होते तो हो गया सूर्य का प्रकाश निम्न में से दाहिय पदार्थ नहीं है मतलब जिसमें दाहिये जलने योग्य नहीं वो क्या है लोहा प्रत्येक शुक्राणु एक, एकल कोशिका होता है तो बिल्कुल सही है एकल कोशिका होता है और आपको चैनल पे इम्पोर्टेंट जो डायग्राम है उसका भी एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको वो डायग्राम याद कर लेना उसी डायग्राम में से आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन देखने को ठीक है ना किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन आरंभ का संकेत होते हैं तो सही बात है ट्रू सहजात आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं गलत ठीक है ना स आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं आकर्षित तो विजाती आवेश करते हैं तो ये बात गलत है फॉल्स ठीक है ना दहन किसे कहते हैं तो दहन किसे कहते हैं वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है ना एम्ब्रियो कहाँ पर होता है तो ये होता है गर्भाशय में अगला प्रश्न देखिए देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है मतलब सिर्फ आपको इतना ही लिखना और दो नंबर मिल रहे हैं ठीक है ना मतलब छोटे प्रश्न आपको अच्छी तैयारी करना है मादा हार्मोन का नाम लिखिए तो मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और अगर पुरुष हार्मोन बोलते तो वो होता है टेस्टो क्या होता टेस्टोस्टेरॉन ठीक है ना टेस्टोस्टेरॉन ये ध्यान रखना ठीक है अगला देखिए पृथ्वी का नामांकित जो चित्र बनाना तो ये रहा इस प्रकार का आप एक नामांकित चित्र बनाएंगे यहाँ लिखेंगे आंतरिक बाह्य भू प्रॉपर्टी ठीक है है ना ये सब इसके जो नाम है। इसका डायग्राम आपको मैंने कहा ना आपको एक डायग्राम मिलेगा मतलब जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण है वो सारे आपको मिल जाएंगे ठीक है ना है आपसे सप्तऋषि तारा मंडल की स्थितियां पूछे तो इस प्रकार से आपको बनाना है नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन से होते हैं तो एक होता है जीवाणु कवक प्रोटोजोआ और शैवाल ठीक है ना जीवाणु अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए जीवाणु कवक और फिर है आपके प्रोटोजोआ और शैवाल तो देख ही रहे ठीक है ना ये होंगे चार ठीक है ना मुख्य वर्ग है ये अगला पूछा आपका मित्र गर्मी में आ, क्या गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है ठीक है उसे सूती वस्त्र कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित चार कारण लिखिए तो देखो राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज खरीदनी चाहिए और सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है सूती खरीदना चाहिए ऊष्मा का कुचालक होता है ठीक है ना तो ये क्या करेगा यह हमारे शरीर में बाही उष्मा को प्रवेश नहीं करने देता है क्योंकि उष्मा का कुचालक उष्मा अंदर आने नहीं देगा और इस प्रकार हमारे शरीर में ऊष्मा को बचाता है ऊष्मा से बचाता है अगला सूती वस्त्र जो होगा ना वो पसीने को सूखने की क्षमता होती है जिससे हमारे शरीर ठंडा रहता है ठीक है ना और क्या और इसमें ये जो है ना, इसको शरीर ऐसे लिखना ठीक है ना संश्लेषित जो होते हैं कमीजे ना तो पसीना सोखती है ना होती है इसलिए सूती वस्त्र है उसी के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में ठीक है ना तो संश्लेषित खरीदने की सलाह नहीं देंगे उसको अगला है आपको मैचअप करना मिलान करना पहला है कोयला कोयला है पत्थर जैसा कठोर को कैसा रंध्र काला कोलता रहे काला गाढ़ा द्रव पेट्रोलियम में गहरे रंग का तेलीय द्रव ठीक है ना अगला प्रश्न पूछा गया जिसमें आपको फिर से सत्य असत्य पूछे गए पृथ्वी वनोन्मूलन से पृथ्वी का तापमान एवं प्रदूषण में वृद्धि होती है सही बात है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे प्राणी जात प्राणी जात नहीं वो वनस्पति जात कहलाते हैं तो ये असत्य होगा ठीक है ना रेड डाटा पुस्तक में महत्वपूर्ण लोगों का नाम लोगों का नहीं होता है ठीक है ना तो असत्य है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं सत्य बात है अगला देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो आपको याद कर लेना है कि मानव में तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको चित्र बनाना पूछा नामांकित नहीं पूछा है ठीक है ना तो चित्र इस प्रकार से बनाएंगे और कार्य कार्य होता है ये संदेश प्राप्त करके उनका स्थानांतरण करते है, हैं जिससे यह हमारे शरीर को नियंत्रण करता है नियंत्रण और समन्वय अगला प्रश्न पूछा है धक्के और खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए तो देखो क्या क्या परिवर्तन होता है मेज पर रखी या धक्का या खिंचाव इन दोनों से वस्तु की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा पहला कि मेज पर अगर कोई बुक रखी है ना किताब रखें तो आगे और पीछे की ओर गतिशील होती है दरवाजे को बंद करना ये भी एक गति है ठीक है धक्का देना यह खींचने का कारण होता है कुएं से पानी निकालते हैं ना तो बाल्टी को खींचना यह खींचने से हो गया किसी मेज की दराज को खोलना मतलब उसमें जो ड्रॉर होता है उसको खोलना और बंद करना ये भी धक्के और खिंचाव से होता है ठीक है ना ये उदाहरण हो गए इसके दो दो अगला है वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार मित्र और शत्रु दोनों है दो दो बिंदु लिखिए तो देखिए घर्षण किस प्रकार से अपना मित्र औ घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा काफी मात्रा में ऊर्जा में व्यर्थ चली जाती है कहने का मतलब घर्षण होने से उष्मा पैदा होती है जिससे ऊर्जा वेस्ट होती है ठीक है ना दूसरा है घर्षण बल वाहनों जैसे बसों ट्रेनों हवाई जहाजों आदि को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता ठीक है ना और ये ध्यान रखिएगा ये शत्रु हुआ कैसे एक तो ऊष्मा व्यर्थ हो जाती है दूसरा ये उनको तेजी से आगे बढ़ने नहीं देता है ठीक है ना ये शत्रु के हुए मित्र के क्या होंगे ठीक है ना ये अगले वीडियो में आपको एकदम क्लियर मिलेंगे ठीक है ना इसमें थोड़ा ये आ, कुछ धुंधले देख रहे हैं अक्सर ठीक है ना मित्र किस प्रकार के घर्षण की, की सतह के कारण घर्षण होने के कारण ही पृथ्वी की सतह पर हम चल सकते हैं चल में सहायता करते हैं ठीक है ना हम जो कागज पर लिखते हैं वो भी घर्षण के कारण लिख पाते हैं घर्षण नहीं होता तो हम लिख भी नहीं पाते ठीक है ना अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है चार लिखिए तरीके तो देखो ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा उत्पन्न होती है उच्च रक्तचाप बनता है उत्पन्न होता है ठीक है ना और क्या होता है कि सुनने की क्षमता अस्थाई और स्थायी रूप से कम हो जाती है चिंता जैसे विकार उत्पन्न होते हैं ठीक है ना ये ध्वनि प्रदूषण है ठीक है ना उसके कारण होता है आलो की चालकता का परीक्षण कैसे करेंगे चित्र चित्र बनाइए आप जानते हैं कौन सा बनाना है जिसमें आपको टर्मिनल लगाना है आलू बनाना और उसका जो उसमें चालकता प्रदर्शित करने वाला बनाना है ठीक है ना देखिए कि आप इसमें लिखेंगे क्या कि एक आलू को दो बराबर भागों में काट लेंगे ठीक है फिर संपरीक्षित तारों को जो दोनों सिरे होते हैं उन तारों को इससे निर्विष्ट करेंगे मतलब इसमें दोनों धन टर्मिनल और से संयोजित करके तारों को हम इस प्रकार से देखिए डायग्राम बनाया हुआ है इस प्रकार से ये आलू है काटा हुआ है ठीक है इसके अंदर हमने दोनों तारों को ऐसे जोड़ दिया एक बैटरी लगा दी विद्युत का सुचालन करेगा यहाँ पे सुचालन करने के लिए हमने ये संयोजित कर रखा है इस में जब इसकी डिफ्लेक्ट होगी ना इधर उधर होगी ना उससे पता लग सुनते रहिए क्या ये दिख नहीं रहा है तो ठीक है शूद्र ग्रह क्या होते हैं छोटी चट्टानों से बने हुए पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं जबकि उल्का पिंड होता है ना या धूम केतु ये क्या होते हैं ये अपने छोटी चो, चट्टानों के टुकड़े होते हैं ठीक है ना और दूसरा शूद्र ग्रह जो होते हैं ये बृहस्पति के बीच में उपस्थित होते हैं जबकि उल्का पिंड जो होते हैं ये अपने वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और चलते घर्षण करते हुए दिखाई देते हैं कभी कभी ठीक है ना ये है अगला खरपतवार देखिए या फिर आप खाद और उर्वरक में चार अंतर स्पष्ट कीजिए तो अंतर यहाँ पे लिखे हुए हैं आप आराम से देख सकते हैं ठीक है क्या है कि उर्वरक क्या है؟ एक रासायनिक पदार्थ होता है खाद क्या होता है कार्बनिक या जैविक पदार्थ होता है आ, ये गोबर द्वारा बनाया जाता है और उर्वरक जो होता है ना इसमें ये फैक्ट्रियों में बनता है और ये आ, मानव निर्मित होता है कहने का मतलब अपशिष्ट जीव जंतुओं के अपशिष्ट या अवशेष से विघटित होकर प्राप्त होता है उर्वरक से खेती कोई उमस प्राप्त नहीं होती है उमस प्राप्त नहीं होती है जबकि इससे उमस प्राप्त होती है ठीक है ना और उर्वरक में पादप के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये सारे होते हैं लेकिन खाद में इनकी मात्रा ना अपेक्षाकृत कम होती है ठीक है ना ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है ये तो ठीक है और तुलनात्मक रूप से पोषक तत्व इसमें कम होते हैं ये ध्यान रखिएगा अगला पूछा गया है तन सल्फ्यूर ये यहाँ लिख रखा है ठीक है ना क्योंकि इस पर विजिबल नहीं था ना तो इधर है तेबीसवी का ये रहा ठीक है तो जब अभिक्रया करवाते हैं तो क्या होता है उसके दोनों अथवा वाले भी आंसर यहाँ लिख रखें आप वीडियो को रोक के यहाँ से आराम से पढ़ सकते ठीक है ना बहुत आसान है थोड़ा सा याद कर लीजिए लीजिएगा इन अभिक्रिया को कि कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है कॉपर कार्बोनेट क्या होता है ठीक है ना ये इसके लिए आंसर रहा फिर नेक्स्ट वाला देखिए जो आपके चौबीसवा क्वेश्चन है

तो ये आने के बाद इनमें विसरित हो जाते हैं मतलब एक दिशा में ये नहीं जाते हैं इधर उधर हो जाते हैं ठीक है ना इस टाइप से दूसरा सड़क दुर्घटना केस में परिणाम पूछें सॉरी तो आप ये लिख सकते हैं क्या दुष्परिणाम क्या होते हैं पीड़ित व्यक्ति अपंग हो सकता है मौत भी हो सकती है ठीक है ना और परिवार पर आकस्मिक आर्थिक भार भी पड़ता है ठीक है ना ये सड़क दुर्घटना के दुष्परिणाम है फिर जो आपसे पच्चीसवें क्वेश्चन पूछा गया वो देखिएगा क्या है एक करना है ठीक है ना इजी क्वेश्चन है ये भी, इसका आंसर भी है, ना? आगे आपको और मॉडल पेपर मिलेंगे क्योंकि की आपको आप दो तो मॉडल पेपर मिल जाएंगे ताकि उनकी आप शानदार ढंग से तैयारी कर पाए इंपॉर्टेंट जो आपके डायग्राम है जो भी आपको टफ लगता है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा वीडियो मिल जाएगा ठीक है अब पच्चीसवा देखिए जल संरक्षण संदूषण होता है उसकी निम्नलिखित विधियां जैसे देखो तेल निकलते समय पेट्रोलियम से समुद्र में रिशा होता है या जहाजों के संचालन में समुद्र जल दूषित होता है नाभिक रिएक्टर संयंत्रों से निकलने वाला कचरा भी जल को दूषित करता है औद्योगिक हानिकारक रायो को नदियों नाला में प्रवाहित कर दिया जाता है ये भी नुकसानदेह है और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में दूसरा पॉइंट बोला ना तो स्वच्छ भारत अभियान राजस्थान भारत सरकार द्वारा देश की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दो अक्टूबर दो को स्टार्ट किया गया था ठीक है ना और उस समय जो प्रधानमंत्री थे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने स्टार्ट किया था ठीक है ना इस प्रकार ये है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और मॉडल पेपर जरूर आपको जल्दी जल्दी सारे मिल जाएंगे जिससे आप बेहतरीन तैयारी करो और इन मॉडल पेपर से बाहर कुछ नहीं आना है ठीक है ना मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक तो के लिए जय हिंद जय जा भारत